अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के जरी फार्म से खुश आमदीद जी। ये परसों तूफ़ान जो आया है, बारिश बहुत ही तूफ़ान बहुत ज़्यादा था, जिसने ये देखें शेड की फाइबर की शीटें उड़ा दी, एंगल उड़ा दिए, ये एंगल दोबारा वेल्ड हो रहे हैं। ये देखें ये टोटली फाइबर के एंगल, ये एंगल तकरीबन ये एक एकड़ के फासले तक गए हैं। मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाऊँगा अभी। ये देखें ये सारा दोबारा वेल्डिंग हो रही है, सारे एंगल दोबारा वेल्ड किए जा रहे हैं। बस कहते हैं जब तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। ये इतना मज़बूत शेड बनाया गया था, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। ये देखें जी, ये सारा ये है, ऊपर से शीटें उड़ी हैं। मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ कि ये शीटें जो हैं ये कहाँ तक गई हैं, ये देखें। और ये दरख्त भी जड़ से ही उखड़ गए, सिंबल का दरख्त था एक, ये एक वो, ये जड़ से ही उखड़ गए। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, ये शीटें देखिए नीचे गिरी हुई हैं। ये फाइबर की शीट थी और बहुत मज़बूत और वज़नदार शीट थी, ये टूटी है। ये मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। ये चूर चूर होती गई हैं जी सीटें, ये पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये यहाँ से एंगल उठा के लेके गए हैं हम। इतना हैवी एंगल था, और ये मैं आपको जब बैक करता हूँ उस बैक साइड पे, शेड का आपको फासला नज़र आ जाएगा। इतना शदीद तूफान था, ये यहाँ से ये देखें, ये अब शेड का फासला कितना बन जाता है। बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, तो ये यहाँ से जो हमारे फार्म के वर्कर हैं वो यहाँ से एंगल उठा के लेके गए हैं। ये देखें सारा फसल के ये कचरा आगे गिरा, एंगल आके वहाँ से उड़े, और इतने हैवी एंगल थे जो वो तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि एक एकड़ के राउंड बार फासले पे ये जो है ना ये कचरा और एंगल ये यहाँ पे आए हैं। ये देखें ये सारा, ये वर्कर दोबारा काम कर रहे हैं, हमें इमरजेंसी में दोबारा शेड कंप्लीट करना पड़ रहा है। सारी सी बात है, देखिए सारा ये कचरा ये इधर आया। अल्लाह पाक रहम करे, कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बस एनिमल जो हैं कुछ के इंजरीज हुई हैं। मैं आपको अभी इधर लेके जा रहा हूँ। ये देखें ये दरख्त ये गिरा, ये भी जड़ से उखड़ा, शुक्र है ये एनिमल भी बच गए। ये काट के फिर अब वर्कर ने साइड पे रखा है। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ जिस साइड पे हमारी जो मकई थी वो भी सारी गिरी है, अब हम चलते हैं उस साइड पे। ये देखें जी, ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, अब हमारी ये जो मकई है ये सारी इधर से, अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतरी करता है, बस यही इसी बात पे ही अल्लाह पाक हौसला देता है। ये सारी मकई इसी तरह सारी ही गिर गई। अब इसका वेट करेंगे जी 3-4 दिन, कुछ ये टूटे हैं, जो टूटे हैं वो तो बेकार हैं, जो थोड़े से टेढ़े हुए हैं जो उनकी उम्मीद है, वो देखें वो कितनी परसेंटेज है, फिर उस हिसाब से इसका डिसीजन लेंगे। बाकी आप दोस्त जो देख रहे हैं, अगर कोई वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें।
ये देखें सारी ये मकई गिरी है। ये यहाँ से ज़्यादा गिरती है, ये देखें ये बस। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसे तूफ़ानों से बचाए। बाकी अगर कोई दोस्त किसी का एक्सपीरियंस है मकई के रिलेटेड तो इसका आप क्या करना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।